Assalamualaikum, it's me Fazan and you are watching Study in Academy channel. आज हमारा topic active and passive voice related है, तो देखें start करते हैं। हमारे पास आज मैंने table बनाए रखी है कि active voice और passive voice में क्या differences हैं। Normally आज topic जो है वो हमारे पास present indefinite tense यानी present simple tense जो normally कहलाता है उसकी passive को बनाएंगे, active voice से passive में convert करेंगे। First of all मैं आपको बता दूं कि active voice को उर्दू में फेले मारूफ जबकि पैसिव को फेले मजहूल मजहूल फॉर्म कहा जाता है, मजहूल अंदाज कहा जाता है। यानी अगर एक्टिव के वर्ब की बात करें तो फेले मारूफ कहलाता है और पैसिव की वर्ब की बात करें तो वो फेले मजहूल कहलाता है। और होता यह है कि अगर सब्जेक्ट जो बात करने वाला है उसको इब्तिदा में रखा गया है, उसको स्टार्ट में रखा गया है तो वो एक्टिव वॉइस होगा, जबकि बात करने वाला शुरू में ना हो, कि बात शुरू में ना हो, काल नाम शुरू में ना हो, बल्कि काम को हम शुरू में लेकर आए कि जो काम कर रहा जा रहा है, जो काम वो बंदा कर रहा है, वो शख्स कर रहा है, वो काम हम पहले डिस्कस करें और उसका नाम बाद में डिस्कस करें, तो इसको पैसिव वॉइस कहा जाता है, पैसिव का अंदाज कहा जाता है। तो स्टार्ट लेते हैं। टेबल में हमारे पास तीन तरह के, जो नॉर्मली चार तरह के होते हैं वैसे, लेकिन मैंने आपको तीन मेंशन करें, अफर्मेटिव, नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव। अफर्मेटिव बयानी सेंटेंस जो सीधे सीधे बयान किया गया जाता है, जिसमें जुमला वो अफर्मेटिव सेंटेंस कहलाएगा। इसी तरीके से नेगेटिव और इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव मतलब नेगेटिव जिसमें नफी की जा रही हो और इंटरोगेटिव जिसमें सवाल किया जा रहा हो। तो सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस एस एलियस का इजाफा होता है। आप जानते हैं कि इंटरोगेटिव जो प्रेजेंट डिफरेंट टेंस है उसमें एस एलियस का इजाफा किया जाता है, जब ही शी इट वगैरह यूज किए जाते हैं तो एस एलियस का इजाफा होता है। और अगर डू डस डू यूज किया जाए, बाकी यू वे दे ये या प्लूरल नेम्स नाउन हो सब्जेक्ट के तौर पर, तो एस एलियस का इजाफा नहीं होता। तो ऊपर वाला सब हमारे पास फार्मूला होता है, जबकि डज और ही शी इट और सिंगुलर नेम के केस में नीचे वाला फार्मूला यूज होता है। अगर से पैसिव वर्ब बनाएंगे तो ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ जाएगा, सब्जेक्ट एंड में जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब की जगह थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब लगेगी, बाय सब्जेक्ट से पहले लगेगा और इस इस्तेमाल में से कोई एक हेल्पिंग वर्ब यूज होगा। जैसे एग्जांपल ले लें, वी बाय टी फ्रॉम द शॉप। टी जो काम इस पर हो रहा था, जो चीज बाय की जा रही थी वो थी टी, तो टी स्टार्ट में आ गई, यानी ऑब्जेक्ट स्टार्ट में आ गई सब्जेक्ट बनते हुए, टी के साथ इज लगा दिया, इज बाय की थर्ड फॉर्म बॉट आ गई, बाय बाय किससे, बाय द शॉप, सही है। तो शॉप जो है बाय की जा रही है, बाय अस या यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट्स हैं तो बाय अस फ्रॉम द शॉप ये कह दें, मैं अस लिख दूँ इसमें, बाय अस फ्रॉम द शॉप जी। इस तरीके से शी डज नॉट राइट अ लेटर, तो अ लेटर इज नॉट रिटन बाय हर, ये दो एग्जांपल इससे रिलेटेड हो गई। नेगेटिव की बात करें तो नेगेटिव की एग्जांपल यही थी, सब्जेक्ट डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था, तो हमारे पास ये हो जाएगा कि ऑब्जेक्ट शुरू में आएगा ज़मान के बाद नॉट और वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के बाद सब्जेक्ट एंड में जाएगा तो वो ऑब्जेक्ट उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म लगेगी यूज होगी। यानी अगर ही है तो हिम में चेंज हो जाएगी, शी है तो हर में चेंज हो जाएगी, आई है तो मी में, यू यू ही रहेगा, दे देम में इस तरह से चेंजेस आएंगे। तो इंटरोगेटिव अगर फॉर्मेट तो डू सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था पैसिव में एक्टिव में, जबकि डस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट था। और अगर हम कहते हैं कि डब्ल्यूएच क्वेश्चन हो रहे थे हु और फर्स्ट फॉर्म प्लस एसईएस प्लस ऑब्जेक्ट था, तो हम क्या करेंगे, बाय हुम लगा देंगे इज़ेमार और उसके बाद ऑब्जेक्ट प्लस थर्ड फॉर्म आ जाएगी, या इज़ेमार प्लस ऑब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म बाय के बाद सब्जेक्ट आ जाएगा और सब्जेक्ट की भी एंड में जब आएगा तो उसकी ऑब्जेक्टिव फॉर्म आएगी। तो एग्जांपल नंबर थर्ड को देख लेते हैं, डस इकबाल रीड अ बुक, इज अ बुक रीड बाय इकबाल, सही है, रेड एकेडमी से थर्ड फॉर्म के तौर पर यूज करेंगे। द बॉय ईट मैंगोस, मैंगोस आर ईटन बाय द बॉयज, हु ब्रिंग अ मोबाइल फोन, तो बाय हुम इज अ मोबाइल फोन ब्रॉट, इस तरीके से चेंजेस हो जाएंगी, एक्टिव से पैसिव में चेंज करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, ये हमारा प्रेजेंट इंडिफिनिट से रिलेटेड टॉपिक था। मजीद वीडियो में इस मजीद टेंसेस को डिस्कस करेंगे, जब तक के लिए अमन के नाम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।